हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर साइंस वार। सो गाइस आज हम कर रहे हैं एमसीक्यूज, टॉपिक नेम इज मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिकल रिलेशंस। ओके सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिकल रिलेशन आर वैलिड फॉर ए क्लोज सिस्टम ओनली, बी ओनली रिवर्सिबल प्रोसेस, सी ए थर्मोडायनामिक सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, डी ऑल प्रोसेसेस ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सो हियर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ए थर्मोडायनामिक सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज, विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सवेल रिलेशन इज इनकरेक्ट। ए मीन्स ये फोर आपके पास रिलेशन दिए हुए हैं, इनके पास इनमें से आपको देखना है कौन से वाला इनकरेक्ट है। तो इसमें से ऑप्शन सी जो है हमारा इनकरेक्ट है, जो कि करेक्ट आंसर है। ठीक है, डेल वी बाय डेल टी इज इक्वल टू डेल पी बाय डेल एस। ठीक है, ये वाला हमारे पास इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मैक्सवेल इक्वेशन चैटर ओन डैश लॉज। सो ए इज फैराडेज लॉ, बी गॉस लॉ, सी एम्पेयर्स लॉ, डी ऑल ऑफ दीज। सो हियर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑल ऑफ दीज। ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन गिव्स डैश ए ए बी सी डी। सो हियर फोर ऑप्शंस आर गिवन, यू हैव सीन द इक्वेशंस, फ्रॉम दीज ऑप्शन ए इक्वेशन इज करेक्ट फॉर थर्ड इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इन एम्प्टी स्पेस कंडक्शन करंट इज डैश ए इन्फिनिटी, बी यूनिटी, सी जीरो, डी नन ऑफ दिस। सो हियर जीरो इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सिक्स, मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन गिव्स डैश। सो फ्रॉम दीज फोर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज डेल इन टू बी इज इक्वल टू जीरो। ओके क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, मैक्सवेल इक्वेशन इन डैश फॉर्म गिव इंफॉर्मेशन एट पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, ए डिफरेंशियल, बी इंटीग्रल, सी अल्जेब्रिक, डी नन ऑफ दिस। सो हियर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज इंटीग्रल। ओके क्वेश्चन नंबर एट, मैक्सवेल इक्वेशन गिव्स द रिलेशन बिटवीन डैश ए डिफरेंट फील्ड्स, बी डिफरेंट सोर्सेज, सी डिफरेंट बाउंड्री कंडीशंस, डी नन ऑफ दिस। सो हियर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज डिफरेंट फील्ड्स। क्वेश्चन नंबर नाइन, मैक्सवेल इक्वेशंस कंसिस्ट ऑफ डैश इक्वेशंस ए फोर, बी थ्री, सी टू, डी वन। सो हियर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज फोर। क्वेश्चन नंबर टेंथ, द मैक्सवेल इक्वेशन डेल इनटू डेल क्रॉस इज इक्वल टू फ्रैक्शनल ऑफ पार्शियल बी इनटू पार्शियल टी इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लॉ, ए एम्पेयर्स लॉ, बी फैराडेज लॉ, सी लेंस लॉ, डी गॉस लॉ। सो इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम फैराडेज लॉ, क्वेश्चन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके क्वेश्चन नंबर इलेवंथ इज, विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सवेल इक्वेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम एम्पेयर्स लॉ। सो फ्रॉम दीज फोर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, डेल इन टू एच इज इक्वल टू जे। ओके फोर मैक्सवेल इक्वेशन दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम एम्पेयर्स लॉ। ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ इज, विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सवेल इक्वेशन इज फॉर नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोलेटेड मैग्नेटिक चार्ज। सो फ्रॉम ऑल फोर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके क्वेश्चन नंबर थर्टींथ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशन द सर्फेस इज क्लोज्ड, ए एम्पेयर्स लॉ, बी गॉस लॉ, सी फैराडेज लॉ, डी बोथ एम्पेयर एंड फैराडे लॉ। सो हियर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज गॉस लॉ। क्वेश्चन नंबर फोर्टीन, विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सवेल इक्वेशन इज फॉर ए नॉन कंडक्टिंग एंड लॉसलेस मीडियम। सो फ्रॉम दीज फोर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज डेल इनटू डी इज इक्वल टू जीरो। ओके क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन, द वेलोसिटी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल टू कीप मूविंग इन द सेम डायरेक्शन इन ए रीजियन वेयर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इज डैश ए बी बाय ई, बी ई बाय बी, C E by B plus Q E by B, D B by E plus Q B by E. So from these, option B is the correct answer. See how, as Lorentz force is equal to Q E plus Q into bracket V cross B. But यहाँ पर क्या दिया हुआ है, particle क्या है, same direction में move कर रहा है, इसलिए हमारे पास जो है net force क्या होगा, zero होगा। अगर हम net force को इसमें ये लॉरेंस इक्वेशन में जीरो रखेंगे इज इक्वल टू करके, तो हमारे पास वी की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज ई बाय पी। ओके
क्वेश्चन नंबर 16, द टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ ए गैस बिकम जीरो इज कॉल्ड डैश. ए एब्सोल्यूट स्केल टेम्परेचर, बी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, सी एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड डी नन ऑफ दिस. सो हियर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर. ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 17 इज द बेनिफिट ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन इज दैट ए एनी पैरामीटर कैन बी कैलकुलेटेड, B एंटीना कैन बी डिजाइंड, C पोलराइजेशन ऑफ द वेव कैन बी कैलकुलेटेड, C D ट्रांसमिशन लाइन कॉन्स्टेंट कैन बी फाउंड. सो हियर ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर, दैट इज एनी पैरामीटर विद द हेल्प ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट. ओके, क्वेश्चन नंबर 18, हैव होल्स फ्री एनर्जी इज गिवन बाय F इज इक्वल टू यू माइनस टी एस, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन होल्ड्स ट्रू फॉर दिस. सो फ्रॉम दीज फोर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज सी वी इज इक्वल टू माइनस टी ब्रैकेट कर्ली स्क्वेयर एफ बाय कर्ली टी स्क्वेयर. ओके, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट. सो फ्रॉम दीज फोर, डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी रिलेशन इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 20, द एंथैल्पी ऑफ यूनिट मास फॉर एनी सिस्टम इज डैश. ए एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी प्लस एस, B H is equal to U plus PV minus S, C H is equal to U plus PV, D none of these. So here option C is the correct answer, that is H is equal to U plus PV. And the last question is question 21st, the Gibbs potential is defined as. So from these four, option C is the correct answer, G is equal to U plus PV minus TS, as the correct expression is G is equal to del H minus T del S. So here H is equal to U plus PV minus T S. Okay, so option C is the correct answer. Okay guys, so these are all 21 question about Maxwell thermodynamical relation. So if you have any doubt in these question, please ask me in the comment section. And if you want video or MCQs on any other topic, please comment in the comment section. I will provide you. And if you want explanatory video on any computer science topic, then please comment in the comment section. So subscribe the channel please, and like the video and share it with your friends. Thank you all. Keep supporting. Thank you.